जय साईं जी दी, जय साईं जी दी, रब एक जय साईं जी। 786 चैनल दे नाल जुड़ी हुई हर नेक रूह नूं सलाम है, निघा स्वागत है दाता जी तुहानूं चढ़दी कला च रखण जी। चैनल ते नवे हो तां चैनल नूं सबसक्राइब जरूर करो ते बैल आइकन नूं जरूर दबाओ तां कि तुहानूं आउण वाली वीडियो दी जो अपडेट है वह मिलती रहे। मैं तुहाडा अपना सौरव ते आओ सुणदे हां अज दी कहानी, उसे दी जवानी जिहदे नाल इह बीती है। सो मैनूं तां बहुत चंगी लगी है, देखदे हां साईं जी किद्दां उहनूं उस सिचुएशन चो किवें कढ के लैके आए उन्हां दी ही जबानी। सो सारयां नूं सलाम है, जय साईं जी दी जरूर सुनो प्यार नाल, दाता जी सब नूं चढ़दी कला च रखण जी, मेहर करन साईं जी। हाँ जी, जय मस्ता दी भाजी, जय साईं जी। भाई मैं अपना किस्सा शेयर करना ही कि मतलब कि मैं किद्दां मतलब कि इंडिया तो इत्थे यूरोप दे विच डोंकी ला के आया। जी मैं पूरी अपनी वीडियो दसां तो थोड़ी लंबी हो जानी है, मतलब कि अपनी आडियो दसां तो लंबी हो जानी घट्टो घट्ट अपनी 15-20 मिनट की, पर इस करके मैं मोटी मोटी गल दस दिना कि मतलब कि मेन जिते साईं जी ने मतलब कि बहुत मेहर की मेरे से, तो बाकी तुम भाजी अपने हिसाब न दस दौ किस्सा, क्योंकि मैं ये क्या है साईं जी मैं पहुँचा दौ है ना, मतलब कि सही सलामत मैं भी अपना किस्सा शेयर करा। गल भाजी इदा है कि मतलब कि पिछले 2-3 महीनों तो कि अपने अगस्त के मतलब कि तुरे अं घरों मैं जलंधर ही 4 जने ही हैं, तो जलंधर 4 जने तुरे हैं दिल्ली में, 10 दिन ने सानू बिठाया दिल्ली उत्थे एजेंटा ने, तो उस तो बाद मतलब कि कले कले करके कढ़ते रहे एजेंट, भी थोड़ा पर 2 नंबर कढ़ने उन्होंने सैटिंग ला अपने कढ़ने होंगे एजेंटा ने। गल भाजी मेन जिते मैनू प्रॉब्लम आई तो जिते साईं जी ने मतलब कि मेहर की कृपा की, ये नहीं कहना भी मेरी एक थान या 2 जगह की, हरेक जगह साईं जी ने मतलब कि कृपा का अपना हाथ रखे साईं जी ने। गल इदा कि चलो मेरे तो पहला 3 जने मुंडे जो निकल गए कले कले करके कढ़े उन्होंने एजेंट ने, वो तो लास्ट से मेरी बारी है, तो एजेंट भाई सारे समझा देंगे मतलब कि किदा जाना किड़े काउंटर से जाना, पर मैनू समझाया उन्होंने तो मैं उदा ही दस दिता ही, कहता भी तू कोई ना तेनों चल कहता एयरपोर्ट से, तो कहता तेन मैं उत्थे जाके दस दूंगा, तो मैं ठीक है मैं थोड़ा डर भी मन के बच्चे मैंने दसिया नहीं कहो भी मैं किदा जाऊँगा उत्थे, मैं साईं जी का नाम लैके चलो चल गया, साईं जी का नाम लैके चल गया। तो मैं भाई एयरपोर्ट से जाके मैं फोन किया एजेंट को, मैं कहा भाई मैं एयरपोर्ट से पहुँच गया अगे दसो की करना, तो अगे मैं दसिया उन्हें कहता तू काउंटर गिनी जा, कहते इदा कर तुरे चल, मैं काउंटर गिनी क्या तो तुरी अंदर नहीं कहता वड़ना है तू तो इमीग्रेशन आ पर बहर खड़ा गिनी, तो मैं गिनी गया तो तुरदा गया। तो गल इदा बनी कि जिदा मतलब कि मैं काउंटर गिनदा ही तो नाल मैं तुरे जाता ही, अंदरले बन्ने एक मतलब कि स्टाफ वाला है वो मेरे वाल देखता ही भी शायद गिनदा काउंटर, जो मैं जाके लाइन च लगा मैं दस एजेंट ने भी इन नंबर काउंटर पर जाना, तो मैं लाइन च लगा जाके तो उन्हें जा के मैं लाइन च लगा उन्होंने बहर कड़ लिया, कहता बहर आ जा, बहर चल गया मैं, मेरे तो पुछ गिछ कर लग पे इदा भी कहता तू कि मैं पता भी तू सैटिंग वाली बंद भी इदा, पर तुम्हें पता मुझे थोड़ा बहुत झूठ बोलना पैदा, मैं नर्वस भी हो गया जो मैं दसिया उन्होंने थोड़ा बहुत भी चलो, मैं कहा नहीं मैं इदा का कोई चक्कर नहीं, मैं कहा मैं नर्वस तो करके दवा, तो पर उन्हें मैं उस काउंटर पर नहीं भेजा जिते मैं एजेंट ने भेजा ही, होर किसी से भेजता लाइन से, मैं फिर वापस आ गया तो मैं फिर घूम के फिर चल जाती हूँ, फिर उन्हें दूसरे ही कड़ लिया, कहता हूँ नहीं तेन जान देना, कहता तेन मैं चढ़ नहीं देना, कहता अजे इतने रखना, कहता तेन तो कहता तू कहता वापस ही जाऊँगा, कहता पुलिस वाले तेन बुलाना, मैं तो की मैं फिर मतलब कि जलो लग गया लाइन से। मेन गल भाजी इतने एक जिदा मतलब कि सर्बिया जो आप जाने सर्बिया ना सुन के ना एक दम मतलब कि आप जिदा कह दिए चकन्ने हो जाते हो इमीग्रेशन वाले, तो उस दिन ना मतलब बंदे मोड़े बहुत उन्होंने सर्बिया वाले, तो मैं जो इदा गया क्योंकि मैं सैटिंग वाले बंद को तो गया नहीं, हूँ मैं होर कोई बंद को चल गया जो कि जहाँ को सारे ही आते हैं नॉर्मली, तो मैं पेपर पढ़े अपने, मैं चलो कोई गल नहीं लैके साईं जी का नाम, मैं साईं जी भी चलो अपनी कृपा रखने ता नाँ लैके झंडे गड्डन लगे झंडे झूलते रहन, बस इन्नी गल कही मैं भाजी, इन्नी एक कृपा हुई है ना साईं जी की कि उन्होंने सर मेरे पेपर देखे पूछे, मतलब कोई मतलब कि भी पुछ गिछ बाकी तो करते सर्बिया ने, पर मैंने उन्होंने कुछ नहीं पूछा गिछया, तो उन्होंने देखे मैडम सी उत्थे उन्होंने कौन बाकी पेपर देखे स्टैंप मारी नाल ही बस चल जाएगी,
बस मैं उत्थे मतलब कि मेरा विश्वास इन्ना कि ज़्यादा बन गया ना साईं जी ते भी साईं जी बस तुसीं मैनूं कढाया अज्ज तुसीं। उस तो बाद भाई 4 बजे की मेरी फ्लाइट थी, 3:30 बजे इमीग्रेशन कराउन दिया, मैं अद्धे घंटे सारा कुछ करा करू के तो मतलब कि जहाज मतलब कि पूरा है ना रेडी से तो लास्ट बंदा मैं ही है वो उन्होंने बाज मारी मतलब कि कहते भी कोई जहाज आना ओमान एयर वाले कहें है कोई मैं हाथ खड़ा किया तो वो कहते जल्दी आ कहते जहाज मतलब रेडी आ मतलब टेक ऑफ उड़न तैयार आ सर कहीं तुम रहने तो मैं भाई साईं जी का नाम लैके मैं साईं जी बस तुम मतलब कि अपनी कृपा रखियो बस मेरी लाज रख लो बस मैं जहाज चाड़ दौ किसी तरह घट्टो घट्ट 1 किलोमीटर लैके बैग मेरा व्डा जहा अटैच है वो नाल जहाज वाला मुंडा है मेरा जो कैबिन क्रू वाले होंगे वो लैके बेचारा मेरे नाल भज रहा पता नहीं शायद ट्रैवल भी जो उन्होंने साईं जी ने भेजा ही नाल लैके 1 किलोमीटर तक भज दे रही थी दूर है जहाज खड़ा तो जहाज गेट बंद होने वाला ही गेट हाथ पाई जाने गेट में जो तक मैं पहुंचा बस मैं देखिया उन्होंने मेरे हल देख के हाथ अंदर पर कर लिया मैं अंदर उड़ा फिर गेट बंद किया मैं सीट के उपर बैठा पानी पानी पूछा मैं कहने मैं पानी नहीं पीना है सह बहुत चढ़ गया मैं भजदे ने तो अखा मेरे च पानी आ गया भी मैं साई जी मतलब कि मैंने पहुँचाया इस तक तो उत मुड़ के चलो जहाज उड़ गया मैं घर फोन कर दिता भी हाँ जी घर दे टेंशन सी सही हो गया मेरे ना फिर भाजी सर्बिया तो गांह चलो मैं जिदा कर करके साड़िया फ्लैटा है एक दो जगह स्टे है उतो कर करके तो मैं सर्बिया पहुंचा सर्बिया तो गांह जो डोंकी लगती है डोंकी लगती तो भाजी मतलब कि जिद पहले दिन अभी डोंकी लाने ही रब की कृपा हुई इन्नी कि मतलब कि अभी मतलब कि जंगल उसे बाहर समान रख के डोंकर समान लैन चले गए पर पुलिस आ गई उत्थे पुलिस आ गई पर अभी पिछे रोक देंगे सानू दसते डोंकर ने कहता नहीं हजे नहीं जाना है पुलिस आ गई पुलिस देख दुख के उ सारी चल गई जो चल गई फिर दोबारा गए फिर दूए दिन डोंकी लाने ही दूए दिन भाजी इदा हो मतलब कि बार्डर के बच्चे ना मतलब गड्डिया घूमदिया होंगे गड्डिया घूमदियाँ तो मतलब कि साईं जी का नाम लेंदा रहा बैठा मैं जिन तक नहीं टप्पना ही जाल अजे बार्डर नहीं टप्पना है भी साईं जी बस तुम कृपा रखियो मैं बस इस तरह बस टप जमा बस मैं अजे मतलब कि जाल टप्पया ही मतलब कि गड्डी अगे लंघ गई उन्होंने दो दो पौड़ियां लाती तो जाल टप्पण लगे ही जी दूसरी गड्डी फिर आ गई उधरों फिर पौड़ी ला दी मैं कहा साईं जी बस अज मतलब कि कृपा कर दौ मैं पहुँच जावा किसी तरह बस मैं पिछले नंबर आ इतने तक भी मैं कहा लैके आता अगे तक भी तुम्हें लैके जाना बस मैं अपना साईं का नाम ध्यान रहा तो मैं मतलब कि पौड़ियां लाइया टप के दूसरे बन्ने हुए ही नाल ही पुलिस की गड्डी आ गई उन्होंने भाजी लिया के गड्डी है ना बिच मारी उन्होंने पौड़ी तो पौड़ी सड़ दी बस सूँ बास आ गई थी मतलब कि पौड़ी के बच्च मारी इन्ना नहीं पता कोई उपर चढ़िया जो मेरे को सट लगी या कल पौड़ी मारी इन्ना नहीं पता है चलो अभी सही सलामत अं पहुँच गए अगे जंगल तुर गए तुरते गए मतलब कि हिम्मत टुट जाती है मतलब जो आप तुरद जाने जंगल एक बैग भारा हों अपने पिछे समान समून पाया हों हिम्मत टुट जाती बंदे की पर मैं साईं जी का नाम लेंदा रहा साईं जी मैं क्या मेरी हिम्मत ना टुटन तो बस मैं पहुँच जावा इस तरह बस कृपा का हथ रखियो अपने बस तो नाम धोदे गए धोदे गए चल 4-5 घंटे तुर तुर के जंगलों के पहुँच गए उत्थे भी मैं प्रॉब्लम आई उत्थे भी चलो साईं जी ने मेरा साथ दिता लास्ट गड्डी सब तो पहले 2 गड्डियां सही सलाह तो पहुँच गई लास्ट गड्डी से ही जाना है जी हंगरी तो आस्ट्रेलिया जाती है तो उन्हें भी मतलब कि सू 5 मिनट गड्डी चला के तो उत्थे रात ही लाता उन्हें ना टिकाणा ना टुबना कोई उदी चल उदी अभी भाजी चले जंगल से वड़ गए फिर फोन फान किया डोंकर ने भी सानू इतने ला के चल गया है बस मैं जो भी मेरे को इधर प्रॉब्लम आई मैं साईं जी का नाम लेंदा रहा साईं जी बस तुम्हें पहुँचा तो इस सलामत बस साईं जी ने कृपा तक अपने मतलब हाथ रख के ना सानू इतने तक मैंने यूरोप तक पहुँचा दिता मतलब कि पहला तो मैं कहना मैं कहूँ साईं जी बस मैं कि पहुँचा दियो मैं कहा मैं भी अपना किस्सा सुनाने वाला बना मैं तुम्हारी वीडियो पहले बहुत देखी है मेरा विश्वास बहुत बन गया पहला नहीं ही मतलब कि मैं जानना नहीं हुंदा सी उत्थे मतलब कि नकोदर तो एक दो बारी गया ही पर जो गया उत्थे सुकून देख के उत्थे शांति देख के उत्थे दे माहौल देख के उत्थे तुहाडी वीडियो देखियां लगभग मतलब मेरा होर विश्वास बन गया तो बस इदा है कि मतलब कि मेन गल ये कि जिहड़े मतलब कि जिदा राह च लंघ के आए ना कि मतलब कि साईं जी की कृपा करके ही इत्थे तक अज पहुंचे हैं
ਬਾਕੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਸੀ ਬਾਹਰ ਦਾ, ਵੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਅੜਚਲ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਬਣਨ ਲੱਗੀ ਮੇਰਾ ਸਿਰਫ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਬਣਿਆ, 3 ਜਾਂ 4 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੱਦਾਂ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਪਾਸਪੋਰਟ ਦੇ ਕਹਿੰਦੇ 3-4 ਦਿਨ ਮੈਨੂੰ ਜੱਟ ਨੇ ਫੋਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਲਾ ਆਪਣੀ। ਇਹ ਸਭ ਸਾਈਂ ਜੀ ਦੀ ਮਿਹਰ ਕਰਕੇ ਹੀ ਆ, ਬਸ ਸਾਈਂ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਹੀ। ਬਾਕੀ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ, ਪੁਰਤਗਾਲ ਆ, ਸਹੀ ਸਲਾਮਤ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹਾਂ, ਸਾਈਂ ਜੀ ਨੇ ਸਭ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਆ। ਚਲੋ ਕੰਮ ਵੀ ਮਿਲ ਜੂਗਾ, ਕੰਮ ਤਾਂ ਮਿਲਿਆ, ਚਲੋ ਕੰਮ ਵੀ ਮਿਲ ਜੂਗਾ। ਬਸ ਮੈਂ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਕਿੱਸਾ ਸੁਣਾਉਣਾ, ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ। ਬਾਕੀ ਮੈਂ ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਹਾਂ ਅਤੇ ਨਾਮ ਮੇਰਾ ਭਾਵੇਂ ਰਹਿਣ ਦਿਓ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਅਤੇ ਬਸ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਦੱਸ ਦਿਓ ਵੀ ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਹੀ ਮੁੰਡਾ। ਬਾਕੀ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਦਾਂ ਦੱਸਣਾ ਹੁਣ ਦੱਸ ਦਿਓ ਭਾਅ ਜੀ। ਜੈ ਮਸਤਾਨੀ।